हेलो फ्रेंड, गुड एवरीवन। आप देख रहे हैं टेक्निकल चेतनजी मैचेस। आज आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में जो वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं। उसके लिए हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ गूगल में सर्च करेंगे इंडियन आर्मी। उसके बाद इंडियन आर्मी सर्च करने के बाद इस पर दोस्तों डेस्कटॉप मोड में ओपन कर कीजिएगा। यहाँ ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए ये ओपन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ देखिए ज्वाइन ओआर एलिजिबल पर क्लिक करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पहले इंग्लिश कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ राज्य मांग रहा है, तो इसमें राज्य मेरा बिहार है तो बिहार भरेंगे। इसके बाद ज़िला सेलेक्ट करेंगे, मेरा मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, मेरा मरवन है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, सत्रह एक 2000 मेरा है, 17/1/2000 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है योग्यता, आप मैट्रिक करेंगे। उसके बाद ऊंचाई हम यहाँ 180 से सेलेक्ट करेंगे, 180। देखिए 5 फीट 10 इंच आ गया। उसके बाद मेल यहाँ सेलेक्ट है ऑटोमेटिक, और यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बे आपका शादी हुआ है कि नहीं, अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आर यू, इसके बाद इसमें इसके बाद रिज्यूम में यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे वाला में आप यहाँ लोकल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, सो देखिए यहाँ बता रहा है आप इसमें हम दो मेरे लिए इसमें दो है वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ मुजफ्फरपुर के लिए बता रहा है मेरे लिए सैनिक जनरल ड्यूटी सभी हथियार। उसके बाद दूसरा है सैनिक ट्रेडमैन सभी हथियार। इसमें फर्स्ट वाला में सीआई 10वीं पास, मैट्रिक में सभी विषय में 45% होना चाहिए, और पूरा परसेंटेज 45% होना चाहिए, और प्रत्येक में 33% होना चाहिए, और आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होना चाहिए। और नीचे वाले में बता रहे हैं सैनिक ट्रेड सभी हथियार में उसमें सीआई आठवीं पास और 10वीं पास सरल। उसके बाद कुल प्रतिशत का कोई इजाफा नहीं है, लेकिन सभी विषय में 33% अंक होना चाहिए। इसके लिए आयु इसके लिए बढ़ाया गया है 17.5 साल से 23 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, और कुछ वीडियो में अगर गलती हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।